गुड डे स्टूडेंट्स, आम पूर्व वीडियो रे आलोचना करूथले प्रीवियस वीडियो रे आलोचना करूथले हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वर्तमान आम से हेरिडिटी वेरिएशन रो पार्ट टू को आसिले पिले एथिरे आम टर्मिनोलोजी और सिंबल्स विषय रे किछ आलोचना करिबा। तो प्रथमे आमर आसिला जीन। तले पिले जीन विषय रे जानिबा पूर्वरु मु किछटा जनरल कांसेप्ट तुमको पिले कहियाउ चाहूची जहा तरह तुम सहजरे सब जिनस को बुझि परिबा। पिले देखो, नॉर्मली आमे जदि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को देखिबा तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो बहुत गुडे सेल थांती। तो नॉर्मली आमर मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म माने होचंती मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आमे नॉर्मली जो हायर प्लांट मानको देखुचा आमे चारि पाखरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट किंबा आमे माने हेले मामल्स होमो सापियंस ह्यूमन माने आमे तो ए समस्तक बॉडी रे तुम जतले देखिबो नॉर्मली आमे सब हेले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रत्येक सेल भितर मल्टीसेलुलर माने आमे हेलु बहुकोशी तांक भितर थिबा बहुत गुडे सेल। ता भितर गुटे सिंगल सेल को जदि आनिबा तो प्रत्येक सेल भितर आमे देखिबा क्रोमोसोम रो स्टेट होउछि 2n अवस्था। तमाने जो सब क्रोमोसोम माने थिबे सेमाने पेयर हेइ करि थिबे। त नॉर्मली तमे जत्ते बेले कोटे सैंडल टे वेयर करुछ चप्पल टे पिंधुछ से चप्पल टा को लेफ्ट साइड रे फाळे राइट साइड रे फाळे पिंधुछ तो बिल्कुल सेइ भलिया चप्पल को जेंति पेयर अवस्था रे तमे रखुछ बिल्कुल सेइ भलिया क्रोमोसोम भी आमर कोन होउछि ना पेयर हेइ करि रहउछि। त जेहेतु क्रोमोसोम दुइटा क्रोमोसोम पेयर हेइ कि प्रति मुहूर्त रहउछन्ति सेति पई सेमाने सब बेले 2n बा डाइप्लॉइड अवस्था रे रहउछन्ति। जदि ओटे सिंगल क्रोमोसोम को तमे ऑब्जर्व करिबो सेटा को एन बा हैप्लॉइड अवस्था रे मेंशन करिबो। बल से बुझो पिले जदि दुईटा क्रोमोसोम पेयर हे कि रहउछन्ते ताको डाइप्लॉइड कहिबा जदि सिंगल क्रोमोसोम रहउछि ताको हमें हैप्लॉइड कहिबा। तो नॉर्मली हमें जदि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को देखिबा तो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रे दुईटा फंक्शन निश्चिंत हुए गोटा हला ग्रोथ आ गोटे हला रिप्रोडक्शन। तो होल लाइफ भितरे मैक्सिमम टाइम ग्रोथ ही हेइ थाए ओनली बहुत कम समय पर्यंत आमर कौन हुए ना रिप्रोडक्शन हुए। तो जो जो पार्ट्रे ग्रोथ हुए सेठी सोमाटिक सेल आसंती जो जो पार्ट्रे रिप्रोडक्शन हुए से जगह रे जर्मिनल सेल आसंती। ताले बर्तमान नॉर्मली आम जदि देखिबा प्लांट्र सेक्स ऑर्गन होची किए एंड्रोएशियम गाइनोएशियम सेमती ह्यूमन रो भी आमर सेक्स ऑर्गन रहउछि मेल रो आ फीमेल रो। तो नॉर्मली सेमती जदि आम ऑब्जर्व करिबा तो ए जो ऑर्गन अछंती आमर मेल ऑर्गन आ फीमेल ऑर्गन सेई माने ही होचंती आमर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ तांगरी भीतर ही आमर रिप्रोडक्शन होची। तो तार भीतर देखा जिवे को सेल ना जर्मिनल सेल किंतु आमे जदि अलग जगह रे देखिबा आमर सोमाटिक सेल आसीबो। जो सोमाटिक सेल रे ग्रोथ हबो पिले सोमाटिक सेल रे आमर कोन हबो ना ग्रोथ हबो। तो सोमाटिक सेल रे ओनली माइटोसिस हुए। जो माइटोसिस सहाय्य रे 2n अवस्था रे सेल थिबा बेले सेमाने दुईटा 2n अवस्था को पळे आसीबे आ जदि सेटा एन अवस्था रे थिबो सेटा दुईटा एन अवस्था को पळे आसीबो। त माने जदि डाइप्लॉइड सेल थिबो से दुईटा डाइप्लॉइड सेल तयारी करिबो जदि हैप्लॉइड सेल थिबो से दुईटा हैप्लॉइड सेल तयारी करिबो आकु हमर माइटोसिस कहंदि पिले। तो सोमाटिक सेल रे प्रति मुहूर्त रे माइटोसिस हुए मेओसिस आदम हुए नाही किंतु जदि जर्मिनल सेल को ऑब्जर्व करिबो पिले तो जर्मिनल सेल कोन करे ना 2n रु चारोटी एन तयारी करे। तो चारिटा एन एथिपाय आसे हैप्लॉइड एन सेल काहीकि आसे ना जेहेतु सेठी गैमेट रो इनवॉल्वमेंट आवश्यक अछि। तो मेल गैमेट धर होइगला गोटे एन फीमेल गैमेट होइगला एन तो दुईटा एन मिसिगला परिवर्तन से माने 2n होइगले 2n होइगला अलगु से माने पूर्ण तांको पूर्व अवस्था को फेरि आसिले। तो पिले एठी क्रोमोसोम नंबर रो बैलेंस करबा पई एठी माइटोसिस आउ मेओसिस ये दुईटा जंग जिनसर आवश्यक निश्चिंत मात्रा रो अछि। तो क्रोमोसोम नंबर रो बैलेंस केमिति होय पिले ना रिप्रोडक्शन जते बळे हुए सेते बळे मेल गैमेट गोटे आसे एन फीमेल गैमेट गोटे आसे एन दुईटा एन मिसिगला परे सेमाने 2n हो जाती। तो नॉर्मली गोटे बॉडी रो सेल होची 2n। तो जेतेले रिप्रोडक्शन हुए प्रथमे किछिटा जर्मिनल सेल तयारी होंती माइटोसिस सहाय्य रे सेई जर्मिनल सेल माने आमर हैप्लॉइड अवस्था रे कहा को तयारी करंती ना गैमेट को तयारी करंती। तो जेतेबेले जर्मिनल सेलटा मेओसिस करिवो सेतेबेले जाय कि से हैप्लॉइड मेल गैमेट आ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट को तयारी करि परिवो। तो पिले कन्फ्यूज आउ हबो नाही पर क्लियरली रहो जे ग्रोथ टाइम रे सोमाटिक सेल आसंती रिप्रोडक्शन टाइम रे जर्मिनल सेल आसंती। सोमाटिक सेल ओनली माइटोसिस कला टाइम रे जर्मिनल सेल बोथ माइटोसिस एंड मेओसिस करंती। तो रिप्रोडक्शन टाइम रे जो मेओसिस हुए सेठी हैप्लॉइड गैमेट आसंती मेल हेले मेल गैमेट फीमेल हेले फीमेल गैमेट किंतु सेठी मेओसिस मात्र थर हुए। तले जदि ओटा टोटल लाइफ प्रोसेस को आमे ऑब्जर्व करिबा सेतरे मेओसिस मात्र थरे होउची किंतु माइटोसिस बहुत मात्रा रे होउची। तो पिला एटा थिला जनरल कांसेप्ट। वर्तमान आमे पिले देखिबा टर्मिनोलॉजी को आसीबा कोन होउची। देखो पिले नॉर्मली
ଆମର ସେଲ୍ ଭିତରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ଆମର କି ଏସ୍ ଅଛି ନା ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ପିଲେ। ତ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଲ୍ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି, ତ ସେଠି ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ହିଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବେସିକ୍, ତ ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ହିଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଶିକରି ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଡିଏନ୍ଏ ଆଉ ହିଷ୍ଟନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେମାନେ କଏଲିଂ ହୋଇକରି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଡିଏନ୍ଏକୁ ପାଇବା। ସେଇ ଡିଏନ୍ଏର ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ବା ଖଣ୍ଡକୁ, ପାର୍ଟକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଜିନ୍ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲା ନର୍ମାଲି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ଦେଖିବ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ପେୟାର୍ ହୋଇକରି ଥାଆନ୍ତି। କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି କିରେ ପିଲେ, ନା ପେୟାର୍ ହୋଇକରି ଥାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛି ନା ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମର କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଜିନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପିଲେ ଦେଖ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦୁଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ, ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମାନେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପେୟାର୍ ହୋଇକି ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୁଏନ୍ ବା ଡାଇପ୍ଲଡ଼୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ମୁଁ ପିଲେ କହୁଥିଲି ଯେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପେୟାର୍ ହୋଇକି ରହିବେ। ଯେମିତି ତୁମେ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ଚପଲଟାକୁ ବାଁ ପାଦରେ ଗୋଟେ, ଡାହାଣ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧ, ଆଉ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେମ୍ କମ୍ପାନୀର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର ନା ସବୁବେଳେ ନର୍ମାଲି ପେୟାର୍ ହୋଇକି ପିନ୍ଧ, ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀର ପିନ୍ଧ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ଭଳିଆ ବା ହୋମୋଲୋଗସ୍, ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପେୟାର୍ ହୋଇକି ରହନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ ବଡ଼ିରେ ଏଇନା ନର୍ମାଲ ସେଲ୍ରେ 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଯିଏ ସେ 23 ପେୟାର୍ ହୋଇକି ରହିଥିବେ। ଯେମିତି ଦେଖୁଛ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପେୟାର୍ ଅଛି, ଏମିତିଆ ଆହୁରି 22 ପେୟାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ 23 ପେୟାର୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଥିବେ। ତ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ପେୟାର୍ ହୋଇକି ରହିଥିବେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ଯାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍କୁ ଆମେ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବୋଲି ପିଲେ କହିବା। ଆଉ ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ଆମର କିଏ ଅଛି ନା ଡିଏନ୍ଏ, ଆଉ ଡିଏନ୍ଏର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଗଲା, ଜିନ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଜିନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୋଟେ ଡିଏନ୍ଏର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଜିନ୍ଟା କି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫିଜିଓଲୋଜି, ବଡ଼ିର ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି, ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି ପିଲେ କିଏ ନା ଏଇ ଜିନ୍। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଭିତରେ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି, ସେଇ ଡିଏନ୍ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନ୍। ତା'ମାନେ ଆମ ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ବଡ଼ିର ଟୋଟାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଭ୍ୟାରି କରିବ ବା ଡିଫର୍ କରିବ କମ୍ପଲସରି। ତ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ବା ଶୋ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତୁମେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଉ ପିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଶୋ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତା'ପରେ ଆମର ଆସିଲା ପିଲେ ଆଲିଲି। ତ ପିଲା ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆଲିଲି କ'ଣ। ତ ଇନ୍ ସିମ୍ପୁଲ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଟିକିଏ ଭଲସେ ବୁଝ ପିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ହେଲେ କେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ନା ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ଏଇ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଏପଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ତାର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଜିନ୍ ଦେଖେଇଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବିନିଅ ଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଲା ଏ, ଏପଟ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହେଲା ବି। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାଙ୍କ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଜିନ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲୋକେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେମ୍ ଲୋକସ୍, ଲୋକେସନ୍ରୁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଲେ ଆମର ଲୋକସ୍, ଲୋକସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଲୋକସ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ। ତା'ମାନେ ଏପଟ ଏର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକସ୍ରେ ଆମେ ଜିନ୍ଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛେ, ବିର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ସେଇ ଲୋକସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନ୍ ଦେଖୁଛେ ଆମେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍କୁ ଶୋ କରିବେ। ତା'ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଇନା କହିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହାଇଟ୍, ଗୋଟେ ଗଛର ଉଚ୍ଚତା କଥା କହିବା, ତା'ହେଲେ ସେଠି ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗେଡ଼ା କହିଲେ, ଟଲ୍ ଆଉ ଡ୍ୱାର୍ଫ କହିଲେ, ଏମାନେ ପିଲେ ରିଲେଟେଡ଼, ଏମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି ଏଇନା କହିବି ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋରା, ତା'ହେଲେ ଡେଙ୍ଗା ଆଉ ଗେଡ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଗୋରା ଆଉ କଳା ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଟଲ୍ ଡ୍ୱାର୍ଫ ଆଉଟା ହେଲା ଆମର ଫେୟାର୍ ବ୍ଲାକ୍, ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍। ତା'ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଟଲ୍ ପାଇଁ ଡ୍ୱାର୍ଫକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ଫେୟାର୍ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଟଲ୍ ପାଖରେ ଫେୟାର୍କୁ ରଖିଲେ ସେଇଟା ନନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ବା ଅନ୍ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଭଲସେ ଜାଣ ପିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ସେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ସେମ୍ ଲୋକସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଏମାନେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନ୍। ସେ ଜିନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୂଚାଇବ ବା ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଟି ବୋଲି ଆସିଲା, ବି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ ସେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଆସିଲା ସ୍ମଲ୍ ଟି।
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି ବା ସ୍ମଲ୍ ଟି ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଟଲ୍ ହେଲା ବେଳେ ସ୍ମଲ୍ ଟି ହେଇଗଲା ଡ୍ୱାର୍ଫ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ବି ଗୋଟେ ଜିନ୍, ସ୍ମଲ୍ ଟି ବି ଗୋଟେ ଜିନ୍, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହାଇଟ୍କୁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲିଲିକ୍ ଜିନ୍। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ସହିତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେବି, ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ସେମାନେ ଆଲିଲିକ୍ ଜିନ୍ ହେବେନି ପିଲେ, ସେମାନେ ନନ୍ ଆଲିଲିକ୍ ଜିନ୍ ହେଇଯିବେ। ତ ଏଥିରୁ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଜିନିଷ ବୁଝ ପିଲେ, ଯେ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଉପରେ ସେମ୍ ଲୋକସ୍ରେ, ସେମ୍ ଲୋକସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ରେ ହେଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୋ କରିପାରିବାର କାପାସିଟି ରଖୁଥିବେ। ତାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମାନେ ବେଳେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନ୍ ସେମ୍ ବି ହେଇପାରିବେ, ବେଳେବେଳେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଟି ବି ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜିନ୍ ଯେଉଁ ସୂଚାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସୂଚାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫର୍ମ ସୋ କଲା ବୋଥ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ, ତ ଦୁଇଟା ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଜିନ୍ ଯଦି ସୂଚାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲିଲି ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ସେମ୍ ଲୋକସ୍ରେ, ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ସେମ୍ ଲୋକସ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫର୍ମ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛେ, ସେମାନେ ହେଲେ ଆଲିଲି। ତାହେଲେ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ବି ଗୋଟେ ଜିନ୍, ସ୍ମଲ୍ ଟି ବି ଗୋଟେ ଜିନ୍, ତ ଏମାନେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ହେଲେ ଆଲିଲି, ମାନେ ହେଲେ ଆଲିଲିକ୍ ଜିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପିଲେ କ'ଣ ନା, ସେଇ ଜିନ୍ ବା ଆଲିଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଡେଙ୍ଗାପଣଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗଛଟା ହେଲା ଟଲ୍, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଟ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁ ପିଲେ ଦେଖିଲ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଲୋକସ୍। ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ ପିଲେ କହୁଥିଲି ଗ୍ୟାମେଟ୍, ତ ନର୍ମାଲି ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଯିଏ ସିଏ ହାପ୍ଲଏଡ଼୍ ମାନେ ଏନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ତ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଯିଏ ସିଏ ଏନ୍, ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଯିଏ ସିଏ ବି ଏନ୍। ଆଉ ଏମାନେ କେଉଁ ସେଲ୍ରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବେ, ଜର୍ମିନାଲ୍ ସେଲ୍ରୁ ମେଓସିସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ତିଆରି ହେବ ସେତେବେଳେ ବି ଥରିଏ ମେଓସିସ୍ ହେବ, ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ତିଆରି ହେଲାବେଳେ ବି ଥରିଏ ମେଓସିସ୍ ହେବ। ତ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ରେ ଟୁ ଏନ୍ରୁ ଏନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଏଠି ଫିମେଲ୍ରେ ଟୁ ଏନ୍ରୁ ଏନ୍ ଆସିବ। ତ ଏଠି ଗ୍ୟାମେଟ୍ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ପିଲେ, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହାପ୍ଲଏଡ଼୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ବି କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମେଲ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ରୁ ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ସ ସେଲ୍ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଜିନ୍ ଥିବ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଦେଖିଲ, ଏଠି ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି କହୁଛ ଏ ଜିନ୍କୁ, ଏଠି ସ୍ମଲ୍ ଟି କହୁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟ୍ରେ ଆଇଦର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଥିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଆଇଦର୍ କ'ଣ ଅର୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସ୍ମଲ୍ ଟି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଏନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ଏନ୍ ଫର୍ମରେ ସେଇଟା ରହିବ। ତ ଏଠି ଆଲିଲି ବୋଥ ଆଲିଲି ନ ଆସିକରି ଓନ୍ଲି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆଲିଲି ଯିଏ ଆସିପାରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତାହେଲେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କ'ଣ, ତ ସହଜରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଗୋଟେ ସୂତା ଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବୋଲି କହୁ। ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି, ଆଉ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସୋ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୋଡ଼ିଂ ଆକାରରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଲେ କି ନାହିଁ, ତ ଜିନ୍ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଇଏ କରୁଛି, କ୍ୟାରି କରାଉଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ରଖିଲେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଜେନେଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେନେଟିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ସବୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲିନିୟର୍ଲି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଆଉ ସବୁଯାକ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ କେଉଁଠି ଥାଏ ବୋଲେ ନା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ କଥା କହୁଛେ। ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଭାସିଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲା ଆମର ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ହ୍ୟୁମାନ୍ କଥା କହିବା, ହ୍ୟୁମାନ୍ରେ 46 କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ 23 ପେୟାର୍ କହୁଛେ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 23 ପେୟାର୍ ଅଛି, ଏ 23 ପେୟାର୍ରୁ 22 ହେଉଛି ଅଟୋଜୋମ୍,
आउ एक्स वाई ए दुटा हूँ आमर आलोजोम तमें से कौन हो पे ना 22 हूँ ग्रोथ माने नॉर्मल क्रोमोजोम जो कि बॉडी रो सब प्रोसेस को डेवलप कर बॉडी या सब एक्टिविटी से शो कर कितु गोटे ऑर्गेनिज्म टे ह्यूमन टे मेल हम कि फीमेल हम ये कथा सेक्स क्रोमोजोम ही डिसाइड कर तो सेक्स क्रोमोजोम आलोजोम कहती तो नॉर्मली आम जब सेक्स क्रोमोजोम कथा कहचे एम आलोजोम जी कि गोटे ऑर्गेनिज्म रो जेंडर को सेक्स को डिसाइड करिवो ताले जदी आमर एक्स एक्स तो जदी क्रोमोजोमटा एक्स एक्स फॉर्म रे थिबो से हे जीव फीमेल जदी सेठी एक्स वाई थिबो ताले सेइटा हे जीव आमर कोन ना मेल ता माने गोटे ऑर्गेनिज्म मेल हबो कि फीमेल हबो सेठी नीड होउची वाई रो जदी वाई अछि ताले से मेल हे परिबो जदी वाई नाही बोथ एक्स अछि ताले सेटा फीमेल हे जीव पिले अच्छा तापर आसला पिले कोन देखो ना आमे जत्ते बेले सेठी क्रोमोजोम कथा कहिले से क्रोमोजोम रे आमे जीन टाकू कोन सुचैथिले पिले ना जीन को कैपिटल टी बोली सुचैथिले ताले वर्तमान जो गोटा जेनेटिक कंपोजिशन जोटा जीन रो सिंबोलिकली आम मेनसन करोचे से जेनेटिक कंपोजिशन को आम जीनोटाइप बोली कहिबा ताले वर्तमान तमे जेते बेले दुईटा क्रोमोजोम को देखिल सेम लोकस उपरे दुईटा जीन को देखिल एपटे जदि कैपिटल टी आसिला एपटे भी कैपिटल टी आसिला ताले वर्तमान देख पिले आम जेते बेले गोटे जीन बा गोटे आलेली को मेनसन करोचे से जगह सिंगल आम मेनसन करोचे गोटे क्रोमोजोम रे आउ गोटे जगार सेमती सिंगल मेनसन करोचे कि तो से दुईटा क्रोमोजोम बा पेयर होकर अच्छा तो जदि दुईटा क्रोमोजोम पेयर होकर अच्छा से दुईटा आलिल भी पेयर अवस्था ही आमको शो कराया पड़ो तो तुमको जदि पचरा हाब टल क्यारेक्टर बोली पचरा हाब तेल खाली कैपिटाल टी कहले तो हो पारे कहना क्रोमोजोमटा के सिंगल अवस्था रोनी क्रोमोजोम पेयर अवस्था रोचे डायप्लोइड अवस्था रोचे तो से टलनेस जदि पचराला तो खाली कैपिटाल न लिखाई बोथ दुईटा कैपिटाल टी लिखा पड़ो जदि ड्वार्फ कुआ हम तेल तुमको स्मॉल टी लिखा पड़ो जदि हाइब्रिड केस आसा से कैपिटल टी भी आसो स्मॉल टी भी आसो तुम्हें जहाँ भी कर पिले ये जीन दुईटा को आलिली दुईटा को तुमको पेयर अवस्था शो कराया पड़ो मैंने टू एन अवस्था डायप्लोइड अवस्था शो कराया पड़ो सिंगल एन अवस्था खाली शो कर पारना कहीं जदि तुम खाली कैपिटल टी लिखुच तेल से क्रोमोजोम नंबर एन हो जाए हाफ हो जाए तेल हाफ अवस्था तो कौन से ऑर्गेनिज्म न था गैमेट मैंने था के गोटे मेल गैमेटा टल कि ड्वार्फ कहीपर कि गोटे फीमेल गैमेटा टल कि ड्वार्फ कहीपर कि सेमती के सिचुएसन आसो ना क्लीअर पिले तेरे बर्तमान जीनोटाइप जो होगा जेनेटिक कंपोजिशन तो जीन को आम नर्माली खाली आखिरी देखिपर ना से गोटे एक्सप्रेसन से क्रोमोजोम भितर अच्छी तो सहीटा जेहेतु गोटे जेनेटिकाल कंपोजिशन से आम सिंबोलिकाली मेनसन करोचे आमर जीनोटाइप आउ जो पार्ट जो जीनोटाइप जो गोटे क्यारेक्टर को एक्सप्रेस करहब से एक्सप्रेसन टाक आम खाली आखिरी देखिपर तमें कैपिटाल टी को आम प्लांट देखिपरानी कितु कैपिटाल टी जदि गितर अच्छी गछ डेगा हे गछ टल हम टलटा को आम देखिपर तमें आम जो देखा गोटे गछ बेकर कैपिटाल टी ओई अरे सेमती ना गोटे प्लांट बडी गोटे जीन अच्छी जी कि कैपिटाल टी तो सहीटा है जीनोटाइप कितु से ही कैपिटल टी थिबा द्वारा बर्तमान गछटे डेगा देखा जाऊँगी टल देखा जाऊँगी तो आम गछटा डेगा अच्छी से देखिपर तो से जोटा को आम खाली आखिरी देखिपे फिजिकाली एक्सटर्नाली आम जो अब्जर्व करूचे से जिनसटा को फिनोटाइप बोली कहती बोले धर अच्छी आमर रेड आम से सिंबोलिकाली लिखीचे आर आर ताले बर्तमान रेड हो फिनोटाइप आर आर होमर कौन जीनोटाइप सेमती टल होमर कौन ना फिनोटाइप कितु कैपिटाल टी हेला से कौन हो जीनोटाइप ताले जोटा जीन साहाज्य सूचौचे से जीनोटाइप जीनटा जो एक्सप्रेसन करके जो क्यारेक्टर को देखा जोटा कि खाली आखिरे देखिपे से फिनोटाइप पे यहाँ हूँ मोस्ट गोटे जिनस ये बहुत पिला डिस्टर्बांस करती तुम आद डिस्टर्बांस करहजे मन रखे या जो जिनसटा सिंबल मुझ सिंबलटा को खाली आखिरे देखिपर यहाँ भल भाव जानी थाओ सिंबल जो जिनसटा से देखिपर कैपिटाल टी स्मॉल टी जोटा जीन आलिली एक्सप्रेसन टाइम सहजे खाली आखिरे देखिपर ना कि सी जो फिजिकाल एक्सप्रेसन कराइब जो क्यारेक्टर को शो कर से क्यारेक्टर गुरा मुझे खाली आखिरे देखिपर से फिनोटाइप तो जीनोटाइप आ फिनोटाइप कन्फ्यूज हेनी जीन रंपोजिशन को जीनोटाइप कहती जोटा को खाली आखिरे देखिपर से फिनोटाइप तापर आसला पिला आमर क्रॉस तो एबे मु तुमको कहूँ जदि गोटे प्लांट रो मेल आउ फीमेल पार्ट को इनवॉल्व करिबो ताले ताकु सेल्फ पोलिनेशन करेबो ताकु सेल्फिंग बोले कहंती जदि तुम्हें दुईटा प्लांट को इनवॉल्व करौछ ताले गोटे प्लांट रो मेल
आउ गोटे प्लांट रहला फीमेल तले से जगह क्रॉस पॉलिनेशन करौच तो से क्रॉस पॉलिनेशन को आम सर्टे क्रॉसिंग बा क्रॉस बोली कही परिबा जदि ह्यूमन केस रे कहिबो तले जने मेल हैला जने फीमेल हबो ठीक अछि तले नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन को सेल्फिंग बा क्रॉस पॉलिनेशन को क्रॉसिंग बा क्रॉस बोली भी कहि दियंती तले बर्तन गोटे प्लांट इन्वॉल्व हेले सेटा सेल्फिंग बा सेल्फ पॉलिनेशन दीटा प्लांट इन्वॉल्व हेले सेटा हबो क्रॉसिंग बा क्रॉस पॉलिनेशन किंतु बोथ केसेस रे गोटे पार्ट मेल हेतिबा दरकार आ गोटे फीमेल हेतिबा दरकार कने दीटा ऑर्गन उपर एठी दीटा ऑर्गनिजम बा गोटे ऑर्गनिजम हेले चली जिवो किंतु ऑर्गन एठी निश्चित अलगा थिबे सेक्स दीटा अल्टर थिबो गोटे मेल हेले आ गोटे फीमेल होउथिबो बर्तन मु तुमको जहाँ क्रोमोजोम कथा कहितिले एठी सेया अछि जो ऑर्गेनिज्मटा नुआ करी तैयारी हबो पिले ताको ऑफस्प्रिंग बोली कहंदी जो नुआ ऑर्गेनिज्मटा तैयारी हबो ता माने भाबिनियो बर्तन एठी हमर कैपिटल टी होचंती टॉल स्मॉल टी होचंती ड्वार्फ ताले ए माने बर्तन दीटा जीनोटाइप शो करछि एठू बर्तन गैमेट आसीबो कैपिटल टी एठू स्मॉल टी आसीबो कोन हमर ना हमर एठी होचु गोटे गैमेट जेमती कैपिटल टी गोटे गैमेट स्मॉल टी भी सेमती गैमेट दीटा मिसि गला परे बर्तन कैपिटल टी आ स्मॉल टी जे से माने होचंती हमर कोन ना ऑफस्प्रिंग ताले एटा हला गोटे पेरेंट एटा भी हला गोटे पेरेंट तार उपरे ये भी पेरेंट किंतु जो कैपिटल टी स्मॉल टी आसीला से माने हाइब्रिड एटा ताले एटा हला हमर गोटे ऑफस्प्रिंग ताले पिले एठी देखो कोन हेची ना कैपिटल टी स्मॉल टी जो तुम्हें पाइच सेटा गोटे हाइब्रिड अवस्था अच्छे आउ कैपिटल टी रे दुईटा आलिली सेम अच्छा तो जदि दुईटा अंग आलिली सेम थिबे तांकु होमोजाइगस कहिबो कैपिटल टी स्मॉल टी एठी दुईटा आलिली अलग अलग अच्छा ताले वर्तमान एमाने आलिली कि जीन किंतु दुईटा अंग आलिली अलग अलग सेम आलिली नुहंती डिफरेंट आलिली तो सेतिपई तांकु हेटेरोजाइगस बोली कहिबो तो जो माने होमोजाइगस सेमानकु प्योर प्लांट बा प्योर ब्रीड कहंती जो माने हेटेरोजाइगस सेमाने हेले हमर कोन हाइब्रिड बा आमर हाइब्रिड प्लांट बोली कहंती बुझेला तापर ये पिले कौन है देख ना टॉल प्लांट आउ डार्क प्लांट को आम जो क्रॉस करवा से गोटे मीडियम प्लांट आसवा कथा माने से गोटे क्यारेक्टर आसवा कथा जोटा कि दुजण क्यारेक्टर मझीर रहा कथा कितु सेमती हुए नी पिले टॉल आउ डार्क को आम जो क्रॉस करुचे जो हाइब्रिड प्लांटा ये तले या ये भी आम कौन हुए ना टॉल प्लांट ही हो जाए तो से जगह कौन है ना कैपिटल टी जी से आलिलीर क्यारेक्टरटा एक्सप्रेस कला कि स्मॉल टी क्यारेक्टरटा एक्सप्रेस कला ना तर जाओ जो क्यारेक्टरटा एक्सप्रेस कै डोमिनेंट कहती जो क्यारेक्टरटा एक्सप्रेस करे ना रिसेसिव कहती जिते बड़े आम हाइब्रिड प्लांट को पिले देखुचे से हाइब्रिड प्लांट हूँ गोटे प्रकार हेटेरोजाइगस प्लांट से कैपिटल टी आ स्मॉल टी अच्छी जी कि आम टॉल बोली सूचौती तले जदि टॉल बोली सूचौती कौन पिले ना कैपिटल टी जो आलिलीटा सी एक्सप्रेस कर पारा तले जी एक्सप्रेस कर पारा सी है डोमिनेंट तले कैपिटल टी है डोमिनेंट जी एक्सप्रेस कर पारा नहीं लुचिगला हला सी होगा आम स्मॉल टी तो सी होगा आम रिसेसिव तापर पिले आसला म्यूटेशन तो नॉर्मली म्यूटेशन है आमर कौन ना ये जो डीएनए अच्छी ये डीएनए रे बहुत गुड़े न्यूक्लियोटाइड पिले था तुमको फर्स्ट ईयर बायोमोलिक्युल कहुत न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड मैंने मिसिकर आम डीएनए को तैयारी कर तो बेले बेले कौन हुए विभिन्न प्रकार रेडिएशन द्वारा बा केमिकल रो इफेक्ट द्वारा ये न्यूक्लियोटाइड मानकर पोजीशन टा चेंज हो जाए बा से माने डिलीट हो जाती जदि चेंज बा डिलीट होउचंती तले सेइटी सडन कौन हबो ना कैरेक्टर टा चेंज हो जीवो नॉर्मली आमे तमे जानिथिबो जे जते सब रेडिएशन लैब अछि बा हिरोशिमा नागासाकी तले बोमा पड़िला एटॉमिक बमिंग हला से टाइम परे परे लोक मानकर डिजेबिलिटी सब शो कला लोक मैंने सब विकलांग हो गले पिले कहीं से सडन चेंज है तो से जो सडन चेंज होगा डीएनए रे सेटा को म्यूटेशन बोली कहती आ विषय आउरी इन डिटेल रे तुम मॉलिक्युलर बेसिस रे पढ़ो ये खाली नॉर्मली जाने था पिले जे डीएनए भितर थी न्यूक्लियोटाइड रे जिते बड़े किसी चेंजेस आसे से कौन करे से गोटे नुआ क्यारेक्टर तैयारी करे से नुआ क्यारेक्टर आसला जिते बड़े सडन आसला से म्यूटेशन कहती तापर आसला पिले जीनोम ताले गोटे ऑर्गेनिज्म बॉडी रे आमे हेलु गोटे गोटे मनुष्य तो आम बॉडी भितर सबुजाक जीन जिते जीन अच्छे सबुजाक जीन को मिसाई देले ताको जीनोम बोली कहंती बा आमर जो गैमेट गैमेटा एन अवस्था रहउची गोटे गैमेट भितर जिते सब जीन अच्छे से सबुजाक जीन को मिसाई देले जीनोम बोली कहंती तले गोटे ऑर्गेनिज्म बॉडी रे जिते जीन अच्छे सिंपल जिनस मन रख गोटे ऑर्गेनिज्म रे जिते जीन अच्छे सबुजाक जीन को मिसाई देले ताको जीनोम बोली कहंती तापर आमे बर्तमान गोटे पॉपुलेशन रे अच्छे 100 जन खंडे लोक मिसी करी गोटे जगह रे अच्छे तले सबुजाक लोक
मिसिक जो अच्छे आम समस्त जीन को जब मिसेदेबा आम से जीन पुल बोली कह गोटे ऑर्गेनिज्म भितर जिते जीन अच्छे सी है जीनोम आ गोटे पॉपुलेशन रे जिते ऑर्गेनिज्म थे समस्त जीन को मिसेदे जीन पुल बोली कहती। तापर आउ किछ पिला कौन आसला ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ताले मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे आमे गोटे पेयर ऑफ कैरेक्टर नेले जेमती कि टॉल आउ ड्वार्फ एबे आमे कहले ना तो टॉल आउ ड्वार्फ माने एटी दीटा कैरेक्टर किंतु ए माने हेले वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ताले जदि वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बा जो आलीली आमे नेले कौन आलीली नेले ना कैपिटल टी आउ स्मॉल टी तो वन पेयर ऑफ आलीली बा वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नै करी आमे जते बळे क्रॉस करैले दुईटा प्लांट को क्रॉस करैले ताकु आमे कौन कहिबा ना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। काहेकि ना आमे से जगह कैपिटल टी आउ स्मॉल टी गोटे हाइब्रिड प्लांट पाइथिले लास्ट को तो से मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहती। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस रे आमे कौन कले ना वन पेयर ऑफ आलीली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं करी एक्सपेरिमेंट करते। तापर आसला पिले डायरेक्ट क्रॉस। डायरेक्ट क्रॉस माने कौन गोटे प्लांट जदि हेला मेल आउ गोटे प्लांट होगा फीमेल तो ये आमर कौन है ना जन को मेल आउ जन को फीमेल हिसाब से कनसीडर कले डायरेक्ट क्रॉस कहती। रेसिप्रोकल क्रॉस रे कौन हम सेक्सटा को अल्टर कर तमें जो प्लांट को मेल नहीं थो बर्तमान फीमेल नहीं जीव जहाँ फीमेल नहीं बर्तमान ताको मेल नहीं सेक्स रो अल्टरेशन कले रेसिप्रोकल कहती। डायरेक्ट दुईटा प्लांट भितर क्रॉस कले डायरेक्ट क्रॉस कहती। तो डायरेक्ट क्रॉस रे गोटे प्लांट मेल आ गोटे प्लांट फीमेल थी कि रेसिप्रोकल क्रॉस कला बेले सेक्सटा को अल्टर कर जे मेल थी फीमेल कर जे फीमेल थी मेल कर। तापर आसला पिला आमर बैक क्रॉस आउटा आसला टेस्ट क्रॉस। ताले बैक क्रॉस कौन करिबो ना जत्ते बेला एठी आमे ऑफस्प्रिंग को देखुचे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होउचे ऑफस्प्रिंग आंकर पेरेंट थिले कैपिटल टी आ स्मॉल टी तो दीटा प्योर प्लांट रु आमे गोटे हाइब्रिड प्लांट पाइथिले। ताले जदि आमे हाइब्रिड प्लांट को आइदर डोमिनेंट सहित किंबा रिसेसिव सहित क्रॉस करौचे ताकु बैक क्रॉस बोली कहिबा। हाइब्रिड को आइदर कैपिटल टी सहित क्रॉस कर नचेत और स्मॉल टी सहित जदि क्रॉस करिबो ताहले ताकु बैक क्रॉस कहिबो। आउ बैक क्रॉस भितरे हे हमर दुटा जिनस जाउची जदि डोमिनेंट सहित क्रॉस करूचो ताकु आउट क्रॉस कहंती जदि रिसेसिव सहित क्रॉस करूचो ताकु टेस्ट क्रॉस कहंती। ताले बर्तमान एटी कोन हेछि पिले ना बैक क्रॉस कहिला जे हाइब्रिड ताकु एनी ऑफ द पेरेंट ताले आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी सहित जदि क्रॉस करूचो ताकु बैक क्रॉस कहंती। किंतु हाइब्रिड सहित ओनली जदि रिसेसिव माने ओनली स्मॉल टी सहित क्रॉस करिवो ताकु टेस्ट क्रॉस कहंती। ताले गोटे बैक क्रॉस हेला कौन टोटाल उपरे बैक क्रॉस भितर दुईटा जिनस गोटे आउट क्रॉस आउट हेला टेस्ट क्रॉस। तो एव्री टेस्ट क्रॉस इज ए बैक क्रॉस किंतु एव्री बैक क्रॉस इज ए टेस्ट क्रॉस हो पारिबो नाही। तापर कौन है पिले ना जो नुआकर गोटे ऑर्गेनिज्म तैयारी है से कैपिटल टी आउ स्मॉल टी रु देख नुआकर प्लांट गोटे आसला तेल ये गोटे जेनेसन कम्प्लीट होेतु गोटे जेनेसन कम्प्लीट होमें ये आपको कहले एफान जेनेसन जदि आम कैपिटल टी स्मॉल टी को पुणी सेल पोलिनेसन करी नुआ प्लांट या से आम पुणी कौन कह एफ टू जेनेसन कह गोटे प्यारेट रू गोटे अफस्प्रिंग या प्रथम जेनेसन एफ वन जेनेसन कहला पुणी से ही अफस्प्रिंग रू नुआ अफस्प्रिंग जिते या पिले आम कौन कह एफ टू जेनेसन कह तुमको पिले आलीली कथा कही आलीली हूँ गोटे सेम जीन अल्टरनेटिव फर्म से गोटे पेयर अफ कंट्रास्टिंग क्यारेक्टर को सूचाए आ ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर शो करे सेटा को आलीलियो मॉर्फ भी कहंती। थैंक यू पिले।